तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो भी विकलांग सर्टिफिकेट जिनका नहीं बना है, जो कि अब बनना स्टार्ट हो गया, जिनके दिव्यांगन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विकलांग सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है, और अगर बनाना भी है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखा जा रहा है कि हर किसी को फ्रॉड में आ रहा है, क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोल रहे हैं इतना पैसा दो उतना पैसा दो, 5,000 दो, 6,000 रुपया दो, हम तुम्हारा बना देंगे, क्योंकि ये सब फ्रॉडों को चक्कर में ना रहे। तो आज हम आपको बताऊंगा कि कैसे आप विकलांग सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और भी आप अपने एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। आप देख सकते हैं हमारे पेपर के आर्टिकल से, और पेपर के आर्टिकल क्या कर रहा है हमारी स्कीम पर देख सकते हैं। इस स्कीम के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा इस पेपर के आर्टिकल से। तो ये कह रहा है 1 अप्रैल से नहीं बनाए जाएंगे ऑफलाइन दिव्यांगन प्रमाण पत्र, यानी आपका विकलांग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से नहीं बनाया जाएगा। कब से बनाया जाएगा और इसे कब से स्टार्ट करेगा और कैसे इसे बनाया जाएगा पूरा आपको बताऊंगा। चलिए जान लेते हैं इस पेपर के माध्यम से, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये कह रहा है 2011, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा आपको विवरण दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में उसके बाद जिले में बोल रहा है कि 14,85,097 दिव्यांगों को हिंसे में ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2021 से कोई भी नया या डुप्लीकेट दिव्यांगन प्रमाण पत्र ऑफलाइन निर्गत नहीं किया गया है। साथ ही 1 अप्रैल 2021 तक, यानी आपको बताना चाहता हूँ, चलिए हम आगे की ओर जान लेते हैं। ये कहने का मतलब कि आपको ये ऑफलाइन जो कि नहीं लिया जाएगा। अगर जो भी कहता है कि हम ऑफलाइन में ये बना देंगे वो बना देंगे, तो सोच लीजिए वो फ्रॉड काम कर रहा है आपसे। तो देखिए 21 तक पुराने दिव्यांगन प्रमाण पत्र को भी ऑनलाइन सत्यापन करते हुए उन्हें UDID कार्ड निर्गत किए जाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यानी अभी तक जो 2011 में दिव्यांगन यानी सर्टिफिकेट बना है विकलांग सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको ऑनलाइन ही कर दिया गया, ऑनलाइन ही बनाया गया था। चलिए हम आगे की ओर जान लेते हैं। 28 फरवरी तक विशेष लगाने का आदेश, यानी सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। इस बाबत DM अभिषेक सिंह ने सिकन संजय सहित बदीना केंद्र ने जिला प्रबंधक एवं सभी DIG ने कहा कि इस दिव्यांगन सर्टिफिकेट को जो कि ऑनलाइन ही सत्यापन किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रॉड निर्गित हैं जो कि ये काम करते हैं, तो उनको हम बताना चाहता हूं कि आपको जो कि ऑनलाइन ही ऐसे आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन में आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा हम ये भी आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद पहले नंबर आपको एक आधार कार्ड और विकलांग का जो कि है सर्टिफिकेट जो बनवाना चाहते हैं, तो उसका एक फ़ोटो चाहिए, और एक दिव्यांगन का एक अकाउंट नंबर चाहिए, और उसके बाद उनका पिता का एक सर्टिफिकेट आधार कार्ड चाहिए। बस यही बस आपको इस चीज़ और जो कि ले जाना है और ऑनलाइन साइबर दुकान पर करा लेना है। इसके लिए भी आपको कोई शुल्क नहीं चार्ज लगेगा, फ्री है, और जो भी होगा साइबर चार्ज वो भी आपका लेगा, बस उसके बाद फ्री चार्ज है। आप अपने आवेदन किसी भी करा सकते हैं विकलांग या दिव्यांगन को, आप जो कि आपके सीधे अकाउंट में पैसा जो कि दिया जाएगा, जो कि आपको हर मंथ में आपको जो कि 1200 रुपया जो कि आता है, हर मंथ में आपको 1200 रुपया जो कि आपको अकाउंट में दिया जाएगा, जो कि आप इसे उठा सकते हैं पेमेंट। तो हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।